मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी को लेकर एक बयान दिया था, जहां मंत्री ने कहा कि सेल्फी लेने वालों की भीड़ इतनी हो जाती है कि किसी भी कार्यक्रम में उन्हें जाने से देरी हो जाती है। ऐसे में उन्होंने एक नया फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्री के साथ सेल्फी लेना है तो 100 रुपए देने होंगे। लेकिन अब पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी लेने के लिए पैसे लेने बात पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि खंडवा में प्रशिक्षण शिविर था, उससे पहले कुछ बच्चे सेल्फी लेने के लिए आ गए और कार्यक्रम के लिए कहीं देर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। खंडवा जिले में हमारे जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। मैं 4 बार प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हूँ, संगठन के अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय सह संगठन मंत्री जी का सत्र प्रारंभ हो रहा था और युवा बच्चे बहुत सारे आए, हमको सेल्फी लेनी है। मैंने कहा बेटा हमको समय पर अंदर पहुंचना है, बोले नहीं, बच्चे मानते नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर 100 रुपये शुल्क लगेगा और अपने अपने मंडल में जो कोषाध्यक्ष मंडल का उसको जमा कराना, ये कहा और मैं अपने सत्र में चली गई। लौट के आई, बच्चों का जितना मन हो सेल्फी खींचे।